हमारे देश की शान कश्मीर की तीन बेहद सकारात्मक तस्वीरें दिखाते हैं। किसी समय आतंकवाद से प्रभावित कश्मीर में जहां 34 वर्ष बाद मुहर्रम का जुलूस निकला, वहीं अमरनाथ यात्रा नए कीर्तिमान बना रही है। और इतना ही नहीं, इस बार पूरे कश्मीर में तिरंगा रैली की जबरदस्त तैयारियां हैं, जिसकी शुरुआत डल लेक से यानी कि डल झील से हो चुकी। ये तीन तस्वीरें कश्मीर में बहती नई बयार और दमदार नई कश्मीर की कहानी बयां कर रही है। श्रीनगर में 34 साल बाद मुहर्रम का जुलूस निकला तो डल झील में तिरंगा यात्रा की शानदार झलक नजर आई। वहीं अमरनाथ यात्रा के दौरान फंसे सिविल हेलीकॉप्टर का भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने हैरतअंगेज रेस्क्यू किया। सबसे पहले आपको हैरान करने वाले रेस्क्यू की तस्वीर दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना का शक्तिशाली MI-17 V5 हेलीकॉप्टर सिविल हेलीकॉप्टर को हवा में उठाए आगे बढ़ रहा है। सिविल हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को पंचतरणी से नीलगरार हेलीपैड तक ले जाता था। यह हेलीकॉप्टर वहीं खराब हो गया। अमरनाथ यात्रा को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए प्रशासन ने वायुसेना की मदद मांगी। जवाब में वायुसेना ने अपना MI-17 V5 हेलीकॉप्टर भेजा, जिसने सिविल हेलीकॉप्टर को वहां से निकाला और यात्रा फिर से बिना किसी रुकावट के जारी रह सकी। अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा तक पहुंच चुके हैं। ये कश्मीर में आतंक और उसकी पैरवी करने वालों को करारा जवाब है। यही नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर में पहली बार तिरंगा यात्रा की तैयारी है। इस बार रैली में जम्मू कश्मीर के नौजवान बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद हालात कितने बदल गए हैं, वो इन तस्वीरों से साफ हो जाता है। इस बार 5 अगस्त से ही स्वतंत्रता का जश्न मनाने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में तिरंगा रैली शुरू हो जाएगी। इसी के तहत डल झील में शिकारे में ये रैली निकाली गई। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री साहब, उसका सलूट करना चाहिए मुझे, क्योंकि उन्होंने इस बात को छेड़ा हमारे लिए कि तुम्हारे तिरंगे के अंदर कितनी जान है, इस जान को आगे यूटिलाइज 15 अगस्त तक करें। 1 अगस्त से हम स्टार्ट कर रहे हैं ये रैली, अभी हमारी रैली स्टार्ट हो रही है। ये रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर निकाली जा रही है। कश्मीर के नौजवान ने आतंक को छोड़ अब देश को ताकतवर बनाने के लिए तिरंगा थाम लिया है। आज तक भी